स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जानकारी के मुताबिक मामला भोला नगर बस्ती गोहलपुर थाना अंतर्गत बताया जाता है, जहां एक पीड़ित साकेत परिवार का कहना है कि भोला नगर के कुछ गुंडे बदमाश विशाल चौधरी व उसके साथ वाले गुंडागर्दी क्षेत्र पर चरम पर है, जिसके निशाने पर हमेशा आम आदमी बने रहते हैं, जो कि इनके द्वारा की जाने वाली अवैध वसूली का शिकार होते रहते हैं। साथ ही साकेत परिवार द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत की गई है। विशाल चौधरी व उनके साथियों द्वारा रात्रि वसूली को लेकर के घर में घुसकर महिलाएं एवं बच्चों बुजुर्गों को अपनी गुंडागर्दी का शिकार बनाकर बड़ी ही बेरहमी से मारा गया, जिसमें परिवार के सदस्यों के सर हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित साकेत परिवार गोहलपुर थाना पहुंचे, जहां इनकी शिकायत ना लिए जाने पर पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गुहार लगाई। साथ ही यह घटना हमारे यहां की लाचार कानून व्यवस्था को दर्शाता है, जहां इस तरह की घटनाएं होना अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मारपीट किए हैं विशाल चौधरी और आदर्श चौधरी, विकास चौधरी, प्रहलाद चौधरी ने। तो किस बात को लेकर के विवाद हो रहा है? वो आए दिन हम लोग से ऐसी लड़ाई झगड़ा करते रहते, बेमतलब। कुछ दिन पहले हमने मकान लिया था, उस विषय से 50,000 रुपये उन लोग मांग रहे थे पैसे और नहीं दिए, तो उस समय भी हम लोगों को मारपीट किए, लेडीज़ों के साथ, हमारे बच्चे के साथ, और अभी फिर लड़ाई झगड़ा करने आए वो पैसे के विषय में। हमारी कहाँ का मामला है? ये भोला नगर, कृषि उपज मंडी भोला नगर का। मेरी थाना आता है, थाना गोहलपुर, वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। उन लोग का धंधा है, दारू बेचते हैं वो लोग, और उठपटांग हरकतें, बच्चे कोई जाता है कहीं तो उनसे गंदे कमेंट करते हैं। हमारी बेटी स्कूल नहीं जा पा रही है, और कल हम लोगों के साथ मारपीट की, मेरे बेटे को मारा, हम लोग बीच बचाव करने गए तो हमारी बेटी को मारा, घसीट के ले जा रहे थे बेटी को, हम लोग जब दौड़े तो हम लोग को भी मारे, तलवार से हाथ में मारा। इसके पूर्व में भी आपका कोई विवाद है? हाँ, उसके पहले हमारे 6 महीने 16 जून को हुआ था विवाद। हमने एक मकान लिया था, उसके कारण ये लोग हम लोग से ज़बरदस्ती के गुंडा वसूली कर रहे थे, 50,000 रुपये मांग रहे थे, बोले तुम मकान लिए तो हमको पैसे दो। हम लोग थाने गए थे, हमारे पास FIR है और SP ऑफिस के यहाँ का आवेदन भी है, लेकिन फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई। हमारा नाम सरिता साकेत है और अभी भी हम लोग कल से थाने जा रहे, पर कोई सुनाई नहीं हो रही, ना ही हम लोग को सिर्फ पट्टी अट्टी लगा दी और ना तो एडमिट किया, ना ही कोई दवाई बोली, और वहाँ बोलते जाओ आप प्राइवेट दवाई कराओ। आज कहाँ आए हो आप? आज हम SP ऑफिस आए हैं फिर से अपनी शिकायत लेके। हमारा नाम सरिता साकेत। घटना हुई थी? घटना मारपीट किए हैं। किसने मारा था? इतने विशाल लेके मारपीट हो, ये क्या बात? यही गुंडागर्दी। किसने मारा? विकास चौधरी और प्रहलाद चौधरी। किस बात को लेकर मारा? गुंडागर्दी की, पैसा दो। किस बात का पैसा मांगा? वो जो मकान लिए हैं उसी बेस में कहते हैं हमें 50,000 रुपए दो, गुंडागर्दी के उसमें आते हैं। मकान किसका है? मकान हमने अभी नया खरीदा है, चोट तलवार से मारे हैं। विकास चौधरी, प्रहलाद चौधरी। कितने लोग थे वो? उन लोग 4 लोग थे, 4-5 लोग। ये माढ़ताल भोला नगर के। अपने नाम बताओ? दिलीप कुमार साकेत। मैं यहाँ देखा तो भीड़ भक्कर लगी थी, मारपीट हो रही थी, तो मैं बीच बचाव करने गया तो मेरे को पीछे से प्रहलाद चौधरी ने लोहे का डंडा मार दिया, लोहे के पाइप से। कितने लोग थे ये लोग? अब ये लोग तो बहुत से थे सर, अब उस समय भीड़ भक्कर का मैंने ध्यान नहीं किया कौन कौन थे। थाने गए थे आप? जी हाँ सर, थाने गए। चोट कहाँ कहाँ आई है? सर पे आई है सर, तो पाइप ही मार दिए थे, हम किनारे बेहोश डाले थे। अपना नाम बता दें? विनोद चौधरी। हम लोग को मारा पीटा गया है, बच्चों को खींच खींच के लेके जा रहे थे, तो हम लोग बीच बचाव में, हमको भी मारा गया है, हमारे पैर में मारा गया, मेरी बेटी को घसीट के लेके जा रहे थे और किसी ने कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग थाने गए, थाने से यहाँ आए, यहाँ से अब हम लोग कहाँ जाए, विक्टोरिया गए तो भी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी बच्ची बेहोश हो जा रही है। थाने वाले क्या बोले? थाने वाले कुछ नहीं बोले, बोलते जाओ आप लोग, क्यों इधर धरना दे के बैठे, निकलो यहाँ से।
रिपोर्ट लिखा गया तो हम लोग को रिपोर्ट नहीं मिली है, हम लोग कहाँ जाए? मेरा नाम गौरी है।